तो हम लोग इसको उतार करके चले अभी हम लोग बैठ करके डिस्कस कर ठीक है अभी हम लोग बैठ करके जा रहे हैं हम लोग एक कार्यालय में सुपरिटेंडेंट साहब कार्यालय में बैठ करके हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है और जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हम लोग भिजवाएंगे ठीक है। यही हमारा मकसद है यहाँ आने का। इसमें एक तो जगह की कमी है, कुछ जगह और चाहिए। दूसरा हमको लगता है ये वेंटिलेटर वगैरह हम लोगों ने भिजवाया था, उसका हमने देखा, उसमें पहले एक राउंड ट्रेनिंग भी हुई थी, लेकिन अभी एक राउंड और ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि लोग वेंटिलेटर इस्तेमाल कर सकें। तो वेंटिलेटर वार्ड हमारा प्रारंभ होना चाहिए। और कुछ मेडिसिंस वगैरह के बारे में हमको जो आभास मिला कि और मेडिसिंस की ज़रूरत है, तो हम लोग बैठ कर करेंगे। थैंक यू। आने के पहले एक चिट्ठी निकाली गई थी, उसमें लिखा गया था कि जो चिकित्सक कोविड पॉजिटिव है उनके भी उपस्थिति आपके आने के बाद अस्पताल में होगी, इसको किस तरीके से देखते हो, सर ये कैसा चिट्ठी है, कैसा फॉर्म है? अच्छा, इसकी जानकारी हमको नहीं। अस्पताल में काफी ऑक्सीजन की भी कमी देखी जा रही है, अस्पताल प्रबंधक तो काम कर रहे हैं। अभी तत्काल तो हमने देखा ऑक्सीजन है, लेकिन हाँ लेकिन अभी बैठ करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कितना ऑक्सीजन है, कितना चाहिए। वैसे एक चीज़ है कि पूरे देश भर में जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमको ट्रीटमेंट के लिए, वो ऑक्सीजन थोड़ी सी कमी है, जितना ट्रीटमेंट के लिए चाहिए देश भर में उससे कम है। लेकिन हम अपने हमारे यहाँ क्या स्थिति है बैठ करके हम रिव्यू करें। प्राइवेट क्लिनिक शहर के प्राइवेट प्रसिद्ध क्लिनिक बंद है, डॉक्टरों से क्या सर क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उन्होंने क्या बोलेंगे उनको क्लिनिक खोलने, क्या डॉक्टरों क्लिनिक बंद करके रखे हुए प्रसिद्ध जो डॉक्टर है शहर के, सिर्फ सदर अस्पताल पे डिपेंड है भोजपुर के 27 लाख लोग सदर अस्पताल के भरोसे जी रहे हैं। देखिए ये डॉक्टरों को तो चाहिए कि वो लोगों की सेवा करें, काम करें, अपना क्लिनिक खोल कर करके, ये चाहिए उनको। केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी तो वो केयरफुल रहें, उसका व्यवस्था है, लेकिन अपना क्लिनिक बंद करके बैठें ये ठीक नहीं। चलिए,